दोस्तों UGW कर रहा है अपने ग्राफिक्स को इम्प्रूव, सिंपल सी भाषा में ग्राफिक्स को और बढ़िया बना रहा है। और तो UGW के अंदर एक डैश मोड करके न्यू फीचर ऐड हुआ है। क्या है ये, कैसे आप इसका उपयोग कर सकते हैं, ये कौन सा नया फीचर है, इसके बारे में आपको पूरा भी बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। गाइस आप लोग मानो या ना मानो, ग्राफिक्स इम्प्रूव की है ना कि जरूरत तो थी। नो डाउट गेम का अंदर का एनवायरनमेंट वो काफी इंडियन कल्चर से इंस्पायर्ड है, काफी इंडियन जैसे फीलिंग आती है, वाइब्स आती है, लेकिन गेम के लिए सिर्फ ये काफी तो नहीं है ना। ऑल्सो जब हम UGW का एप्लीकेशन अभी के टाइम पर ओपन करते हैं ना, तो वहां पर 31 जुलाई 12 AM शो कर रहा है। अगर आपको पता ना हो तो पहले भी ये शो कर रहा था, बट पहले है ना 30 जून शो कर रहा था। अब सिंपली 30 जून चला गया तो उसके बाद 31 जुलाई 12 AM शो कर रहा है। तो मे बी शायद इस दिन को कोई नेक्स्ट प्ले टेस्ट वगैरह आ सकते हैं, जो ग्राफिक्स इंप्रूव हुए हैं वो हमको ट्राई करने को मिल सकता है। बेसिकली गेम के प्ले टेस्ट के बाद जो इतने सारे फीडबैक्स डेवलपर्स को मिले थे, उन फीडबैक्स पर काम करते हुए उन्होंने ग्राफिक्स को बहुत ही ज्यादा इंप्रूव किया है। जो बहुत ही सारी लाइक एम्प्टी जगह थी, बहुत सारी खाली जगह का एरिया था, लाइक फिशिंग डॉक्स हो गया, या बहुत सारी सिमिलर बिल्डिंग थे, लाइक एक ही बिल्डिंग बार बार रिपीट हो रही थी मैप के अंदर, इस टाइप का लग रहा था, तो वो सबको लिटरली डेवलपर ने लाइक थोड़ा इंप्रूव किया है, फिक्स किया है। गेम को और बेटर बनाते हुए उन्होंने सिंपली एक सीरीज भी स्टार्ट किया है, अंडरवर्ल्ड बज करके। बेसिकली प्लेयर्स का जो फीडबैक आया था ना, उनका ज्यादातर फीडबैक ये था कि गेम का जो ग्राफिक्स है ना वो ज्यादा ही लाइक ब्राइट है, ठीक है। मतलब कि लिटरली एनवायरनमेंट इतना ब्राइट हो जाता है कि अमुक टाइम पे यानी कुछ कुछ समय पर जो डिटेल्स होते हैं ना गेम के, वो हमको शो ही नहीं हो पाते हैं। तो आप लोग देख सकते हो लाइक पिछली बार का ये गेम प्ले और इस बार का ये गेम प्ले, लाइक लिटरली ग्राफिक्स को थोड़ा सा ज्यादा ब्राइट से थोड़ा कम ब्राइट किया है और लिटरली डिटेल्स थोड़ा और ऐड किया हुआ है। इधर आप सिंपल सी भाषा में आसमान को देख लो, पहले का आसमान देखो कुछ ज्यादा ही ब्राइट लग रहा है, लाइक ज्यादा ही ब्लूइश टाइप का, ठीक है। और जो ये अभी ग्राफिक्स को इम्प्रूव किया है उसका थोड़ा साम टाइप का एरिया थोड़ा सा डाउन सा है, ठीक है, ब्राइट थोड़ा कम हुआ है आसमान। और लाइक पहले जो व्हीकल वगैरह के जो टेक्सचर आते थे उसको भी बहुत ही इम्प्रूव किया है। यहाँ पर आप देख सकते हो जमीन आसमान का थोड़ा बहुत हमको फर्क देखने को मिल रहा है। बट अगर मैं आपको मेरा ओपिनियन बताऊँ तो लिटरली मुझे बता रहा हूँ ये ग्राफिक्स जो इम्प्रूव किया है ये ग्राफिक्स उतना बढ़िया मुझे नहीं लग रहा है। दिस इज माई ओपिनियन, ठीक है। इससे भी और बेटर ग्राफिक्स हो सकते हैं, डेफिनेटली होंगे यार, क्योंकि गेम में धीरे धीरे काम ऐसे बढ़ते रहता है, ठीक है। सिंपल से भाषा में थोड़ा हाई रेजोल्यूशन टेक्सचर और थोड़ा लाइटिंग को जो है ना वो मैनेज किया हुआ है ये ग्राफिक्स इंप्रूव में। और मेरे अकॉर्डिंग ये ग्राफिक्स जो थोड़े बहुत लाइटिंग वगैरह कम की ना, मेरे अकॉर्डिंग इसकी वजह से ना एक हमको बहुत ही बेटर फायदा होगा कि एनिमे को जो सपोर्ट करना होता है ना, लाइक हम एनिमे को जो ऐसे ढूंढते हैं ना स्कोप लगाकर, उसमें थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। पहले एनिमे को फाइंड करना थोड़ा मुश्किल काम होता था पहले वाले बीटा टेस्टिंग में, बट इस बार थोड़ा इजी हो जाएगा ये ग्राफिक्स का टेक्सचर की वजह से। और इसके आगे जो ग्राफिक्स के अंदर अपडेट है, बेसिकली लाइक पहले जो है ना लाइक बहुत सारे एरिया जो है ना बहुत ही एम्प्टी से लगते थे, बहुत सारे एरिया से खाली खाली से देखने में लगते थे, ठीक है। लाइक एग्जांपल के तौर पर फिशिंग डॉक्स ले सकते हो, ठीक है, मतलब कि वहां पर ओनली फॉर एक तालाब है, उसमें बहुत सारे बोट्स वगैरह रखे हुए हैं, लाइक कितना ही खाली खाली सा ये लग रहा है एरिया, ठीक है। बट अब ये वाले जो अपडेट है या ग्राफिक्स इंप्रूव है, इसके अंदर बेसिकली फिशिंग डॉक्स को लाइक इधर घर वगैरह डाल दिए, लाइक थोड़ा सा भरा भरा सा एरिया बना दिया सिंपल सी भाषा में। और इसी तरीके से जो अपार्टमेंट्स का एरिया था ना, लाइक जो बोरिस साइड का अपार्टमेंट्स का एरिया था, वहां पर भी लाइक यही सीन था, मतलब कि इधर खाली खाली सा एरिया नहीं था, बेसिकली एक जो बिल्डिंग होती थी उसका डिजाइन काफी सिमिलर था और वही डिजाइन को बहुत सारे बिल्डिंगों में रिपीट किया गया था, ठीक है, पहले के पहले ग्राफिक्स के अंदर। बट ये न्यू ग्राफिक्स के अंदर बेसिकली मतलब कि जो बिल्डिंग्स है वो ज्यादातर रिपीट नहीं हो रही है, थोड़े न्यू स्टाइल के बिल्डिंग्स को ऐड किया है, बिल्डिंग्स का डिजाइन थोड़ा बहुत चेंज किया है। अब बेसिकली सिमिलर टाइप के सब बिल्डिंग हो गए तो हम कौन से जगह पर खड़े वो भी ऐड करना बहुत ही मुश्किल काम हो जाएगा, तो अच्छा क्या इसको चेंज कर दिया। और लाइक बिल्डिंग टू बिल्डिंग कम्युनिकेट करने के लिए ना, मतलब कि लाइक हम ऐसे आसमान में ही लाइक ऐसे किसी बिल्डिंग पर एकदम से जाके एनिमे को सब स्नाइपर से जाके तो रस वगैरह करना, उसके लिए बहुत ही ईजी बना दिया ये लाइक मैप का जो डिजाइन है ना उस तरीके से किया गया है। और सेम टू सेम स्लम्स एरिया के साथ भी यही सीन था, वो भी थोड़ा बहुत खाली सा ही हमको लग रहा था देखने में, तो उसके साथ भी लाइक बहुत सारे लाइक दीवार वगैरह ऐड किए, बहुत सारे पेड़ वगैरह ऐड किए हैं, यानी एक सीधी सिंपल एक वन लाइनर बोलो ना, सिंपली जो खाली जगह थी ना, अपने हिंदी भाषा में बोल रहा हूँ, जो खाली जगह थी उसको थोड़ा भर भर के थोड़ा बहुत सीन सेट कर दिया, सिंपल सी भाषा में समझा रहा हूँ, ठीक है, जिससे कि हमको फाइटिंग करने में अंदर बैटल रॉयल में गेम खेलने में बहुत ही मजा आएगा, ठीक है। क्लोज रेंज की फाइटिंग वगैरह, लॉन्ग रेंज की फाइटिंग वगैरह, तो हमको बेसिकली इजी रहेगा एनिमे को स्पॉट करने में, एनिमे को मारने में या फिर कहीं छुपने में। जैसा कि मैंने आपको मेरा ओपिनियन बताया, इतने ग्राफिक्स अभी भी काफी नहीं है एक गेम को परफेक्ट हिट बनाने के लिए, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने इससे बढ़िया भी गेम्स खेले हुए हैं, लिटरली इंडियन गेम्स की बात कर रहा हूँ जो कि स्टिल अंडर डेवलपमेंट में, वो गेम्स भी इससे बढ़िया है, मतलब ग्राफिक्स उनके भी मैंने देखे हुए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, वैसे ही मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। तो ये ग्राफिक्स और इम्प्रूव होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो। बट बाय द वे इसका इंडियन जो कल्चर है, जो इंडिया वाली फीलिंग है, स्लम्स एरिया हो गया, फिशिंग डॉग्स हो गया, अपार्टमेंट्स का एरिया हो गया, काफी हद तक इंडिया से इंस्पायर्ड है, वो काफी बढ़िया लगा मेरे को। एक न्यू टाइप का मैप है, अलग ही टाइप का लाइक सिटी है, इमेजिनरी सिटी धनतारा, ये कॉन्सेप्ट काफी यूनिक काफी बढ़िया लगता है मेरे को। वैसे मैंने धनतारा के ऊपर एक प्रॉपर शॉर्ट वीडियो भी बनाया था, अगर आपने देखनी है तो ये देख लो। यहाँ पर अमीरों और गरीबों के बीच में लड़ाई होते रहती है। ये है धनतारा, इंडिया का एकमात्र ऐसा सिटी जिसकी नदियों
फिल्मों में पानी से ज्यादा खून बहता है। वैसे ये कुछ ज्यादा ही फिल्मी बातें हो गई। बेसिकली ये हमारे इंडिया का अपकमिंग गेम UGW है। इसका कॉन्सेप्ट कुछ यूं है कि दो गैंग होने वाले हैं, एक के पास बहुत ही पैसा है और एक हमारी तरह ही आम आदमी है, और जिस मैप में हम सब लड़ने वाले हैं उधर भी दो डिवाइडर पड़े हुए हैं, अमीर वर्सेस गरीब का। अमीरों के एरिया में आपको ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, बड़े बड़े घर देखने को मिल जाते हैं, जबकि गरीबों के एरिया में आपको थोड़ा गांव टाइप का सीन देखने को मिलने वाला है, जो कि इंडियन कल्चर से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है। और अगर हम इस गेम के गेम प्ले की बात करें तो गेम प्ले काफी एवरेज सा लगा मुझे। अभी धीरे धीरे ग्राफिक्स को और इंप्रूव किया जा रहा है। बाय द वे, आपको इसका फुल गेम प्ले देखना है तो मुझे फॉलो करके बायो के लिंक से देख सकते हो। चलो, ये तो कोई ग्राफिक्स इंप्रूव की बात है, वो बात करते हैं यूजीडब्ल्यू बनाने वाले नई फीचर के बारे में, जिसका नाम है डैश। ओके, बेसिकली डैश जो फीचर है इसको आप यूजीडब्ल्यू गेम के अंदर एक एबिलिटी मान सकते हो। लाइक डैश नाम का सामने ना एक बटन होगा, ठीक है, एक डेडिकेटेड बटन होता है डैश फीचर नाम का, ठीक है। जैसे इस बटन पे आप क्लिक करोगे ना, आपका जो मूवमेंट स्पीड है वो थोड़ा ज्यादा बढ़ जाएगा। वैसे अगर आप ध्यान से देखो तो आप इस एबिलिटी को ना चार बार यूज कर सकते हो। और मैंने एक चीज को भी गौर किया, ठीक है, यहाँ पे जब ये हथौड़ा लेके मारने के लिए आ रहा था ना डैश फीचर के साथ, तो बेसिकली हथौड़े के अंदर जो एक VFX होता है ना, फ्लेम जैसा कुछ निकला, ठीक है, जो कि देखने में काफी ज्यादा कूल लग रहा है मेरे को। पता नहीं क्यों मेरे को बहुत ही तगड़ा लगा ये जो हथौड़े से निकला ना, ये आग जैसा, फ्लेम जैसा कुछ, ये VFX जैसा, भाई बहुत ही तगड़ा लगा मेरे को। आई डोंट नो खाली फॉर डैश फीचर में आता है, नॉर्मली ऐसा ही चढ़ता है थोड़ा, मेरा मतलब चलता है। यहाँ पर लोग देख पा रहे हो किस तरीके से, मतलब कि जो फाइटिंग के दौरान डैश फीचर का उपयोग करके किस तरीके से हम एनिमी को है ना गुमराह करके उसको मार सकते हैं सिंपल सी भाषा में। पर्सनल मुझको डैश फीचर जो काफी ज्यादा पसंद आया। आपको पसंद आया नहीं आया मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। और इंडियन गेम्स के बारे में इस तरीके की इन्फॉर्मेशन जानने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर देना। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम।